अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल बोबी। क्या करते हैं आप? मैं जी सिंगिंग करता हूँ। सिंगिंग करते हैं, ज़बरदस्त। आज तो फिर प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। और आप मेरी बात सुने, ऐसा होता है कि जब खुद भी इंसान गा रहा होता है तो बड़ा इन्जॉय करता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, कभी कभी ऐसा ऐसे ही होता है। इसको आप प्रोफेशनल सिंगर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तकरीबन 600-700 के करीब मेरा मॉर्निंग शो है, इवनिंग शो है। अच्छा। उसके बाद एज अ प्रोग्राम प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हूँ मैं। बड़े टैलेंटेड हैं आप। और क्या क्या कर लेते हैं इसके अलावा? स्कॉच का जूनियर चैंपियन। अल्लाह ताला ने सारा टैलेंट आप में ही दे दिया, आप में ही डाल दिया टैलेंट। ऐसे ही है। अभी रिबर्टी आना कैसे हुआ? रिबर्टी वो मेरी भांजी की ना शादी थी, तो शॉपिंग करने के लिए घर वाले आए। अच्छा, तो आपने कहा खवातीन वैसे कितना टाइम लगाती हैं शॉपिंग? मैं तो आज देखा है मैंने, मैं तो थक गया हूँ बिल्कुल। आप गर्मी में बाहर उनका इंतजार कर रही हैं, तो आपका सब्र है फिर? हाँ जी बिल्कुल। ऐसे आपने इनको धमकी नहीं लगाई कि अच्छा आप तुम लोग ना आए तो मैं जा रही हूँ? मैं जा रहा हूँ। फोन किया है मैंने अभी। अच्छा, दो दिन फोन कर दिए। ठीक है, तो अपनी शॉपिंग? जी शॉपिंग। अपनी शॉपिंग कौन करेगा? मेरी तो हो गई है जी शॉपिंग। हो गई है। वैसे मर्दों की शॉपिंग क्या होती है? बस कपड़े ले लिए, लड़कियों ने ज्वेलरी भी लेनी है, कपड़े भी लेने हैं, पता नहीं क्या कुछ करना है ना। तो फैशन के हिसाब से चलते हैं, साथ साथ जो जो फैशन चल रहा होता है। ऐसी फैशन के हिसाब से तो बेसिकली मैंने मॉर्निंग शो करने होते हैं, एक मेरा इवनिंग शो भी चल रहा है मेरा एक चैनल। अच्छा, इवनिंग शो भी है, मॉर्निंग शो भी है और इवनिंग शो भी है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि हमारा आज का सवाल है, आप बूझो तो जी, तो प्रोग्राम में गाने भी हम आपसे सुनेंगे, लेकिन इससे पहले हम करेंगे आपसे सवाल। मुझे ये बताएं वो कौन सी ऐसी खुराक है जो कभी ख़राब नहीं होती है? कभी ख़राब नहीं होती खुराक खाने वाली? कभी फ्रोजन भी नहीं होती। अच्छा, खाने वाली चीज़ है? खाने वाली कई चीज़ें हैं जो ख़राब नहीं होती। नहीं, कभी सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। चावल? चावल नहीं खराब होता। नहीं, सारी ज़िंदगी चावलों को भी कीड़ा लग जाता होगा। नहीं, वो आजकल रखती है ना वो घर में, वो बगैर किसी उसके मुश्किल सवाल कर दिया आपने, बगैर किसी एहतियात के। नहीं नहीं पता, बड़ा आसान सा है वैसे, मतलब रोजमर्रा इस्तेमाल होती है, रोजमर्रा भी लोग इस्तेमाल करते हैं। चले कोई बात नहीं, हम इतनी आपको परेशानी में नहीं डालेंगे, आप गाना सुनाएंगे। हाँ जी। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबरा, घबराए ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आ, मुझसे बोले ना मोरा सैया, मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुझसे बोले ना, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हो तुम मुझे यूं, वो बहारे वो चांदनी रातें
हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नजारों की लाज आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे ना पाओगे जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। तुम मुझे यूं आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे गीत रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। हम तो मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा के शंके कभी नाम हमारे। हम तो मिले थे कभी जमुना किनारे, राधा के शंके कभी नाम हमारे। छोड़ के आ जा, तोड़ के आ जा यार मंगया सी रबाते थोरो के, केड़ी मैं खुदाई मंग लई यार मंगया सी रबाते थोरो के, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। मर जान दे, मर जान दे, मर जान दे किसे दा मैनू हो के, केड़ी मैं खुदाई मंग लई यार मंगया सी रबाते थोरो के, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। रब्बा पता होंदा तेरे जे मकान दा, रब्बा पता होंदा तेरे जे मकान दा, तेनू लिख लिख चिट्ठियां मैं पामदा। एहो कहंदा तेरे बूहे ते खलो के, एहो कहंदा तेरे बूहे ते खलो के, केड़ी मैं खुदाई मंग लई यार मंगया सी रबाते थोरो के, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। मर जान दे, मर जान दे, मर जान दे किसे दा मैनू हो के, केड़ी मैं खुदाई मंग लई यार मंगया सी रबाते थोरो के, केड़ी मैं खुदाई मंग लई। छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है
वो सबसे हसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होंठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होंठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होंठों को। ज़बरदस्त, आपने तो बड़े अच्छे गाने सुनाए और मज़ा आ गया हमें तो गाने सुनने का। मुझे ये बताएं कि ये तो मुझे लग रहा है आपका पैशन है ये। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, बचपन से गा रहा हूँ। बचपन से गा रहे हैं, रियाज भी करते हैं, टाइम देते हैं अपने आप को? बिल्कुल देता हूँ टाइम, क्योंकि जो सिंगर्स होते हैं वो बड़ा अवॉइड करते हैं ठंडा पानी पीने से, कोई खट्टी चीज़ खाने से। आप भी करते हैं ऐसे? बिल्कुल ऐसे करता हूँ, ठंडा पानी नहीं हम पी सकते, ना कभी खट्टी चीज़ें खाते हैं, ना अचार, किन्नू बस दूर से देख सकते हैं उसको, दूर से ही देख सकते हैं। चलें, कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि सब मेरे हजरात से ही पैगाम है कि मिलजुल के रहें। जो दौर जा रहा है आजकल का, हर बंदा परेशान है। अगर देखें कि कोई गरीब बंदा मतलब कि आपके अड़ोस पड़ोस में है तो ज़रूर उसकी खिदमत करने की कोशिश करें आप, इससे अल्लाह ताला बहुत खुश होगा। आजकल के बच्चे नहीं करते ये? नहीं, बच्चे नहीं जी, आजकल के नहीं करते। आप मैरिड हैं? जी मैरिड हैं। आपके बच्चे हैं? जी मेरे कितने? तीन बच्चे हैं। तो तीनों बच्चों को क्या सिखाते हैं? अभी तक तो छोटे हैं ना वो, तो बड़ी बेटी में माशाल्लाह मेरी 6-7 साल की है अभी। फिर भी बचपन से ही आप बच्चों को एक बात सिखाना शुरू करते हैं ना कि बड़ों की रिस्पेक्ट करें या शेयरिंग इज केयरिंग। देखा है आजकल के बच्चों में शेयरिंग नहीं है, वो कहते हैं हमारी चीज़ें हमारे बाबा ने दी है, हमारी मामा ने दी है, तो हमारे पास ही रहेगी। बेटा ना अगर उसको मैं कोई चीज़ ला के दूंगा ना तो वो आधी खाता है आधी रख लेता है, ये किसके लिए? ये आप ही के लिए है। अरे कितनी क्यूट बात है ये। थैंक यू वेरी मच, लाहौर न्यूज़ की तरफ से हम आपको देंगे गिफ्ट हैम्पर, ये नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा, बड़ा मज़ा आया इनसे बात करने का और गाने भी सुनने का।